हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। हम यहाँ पे 250 ग्राम कटहल लिए हैं, इसे हम बॉईल कर लिए हैं और हम ये लिए हैं। इसमें अब हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं, मेरे पास पीसने का सुविधा नहीं है, इसलिए हम इसमें कूटेंगे। हम इसे कूटेंगे अच्छे से, मिलते हैं कूट के आपसे। देख सकते हैं फ्रेंड, हम सारे को कूट लिए हैं। अब हम इसे चलते हैं बनाने, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैं ऐड करती हूँ, यहाँ पे हम ऐड करेंगे यह मिर्ची पाउडर, हम ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। ये है हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाले, यहाँ पे हमने छोटा सा प्याज लिया है, अब हम इसे ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देख सकते हैं हम अच्छे से इसे मिला चुके हैं, अब हम चलते हैं बनाने। देख सकते हैं हम गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं, अब हम इसे गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम जो कटहल लिए थे उसको हम इस तरह बना के डालेंगे उसमें। इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ उलटेंगे। देख सकते हैं पकने लगा है। हम सभी को उलट लेंगे। देख सकते हैं कितना चक्कर लग रहा है। गिलास कैसे तो भरा? देख सकते हैं हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें पिसा डालेंगे, इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। देख सकते हैं ये हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। सकते हैं हम सारे निकाल चुके हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये रेसिपी एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा रेसिपी कैसा लगा। अब हम इसमें थोड़ा और ऑयल डालेंगे,
इसमें हम तेज पत्ता ऐड करेंगे। जीरा, इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज पत्ते को पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज पक चुका है, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हमने मसाले में लिया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसे हम मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साबुन का नमक डालेंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। इसमें हम अच्छे से उबाल आने देते हैं। देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कटहल का जो हमने बड़े बनाया था। ऐसे से हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे अच्छे से। देख सकते हैं फ्रेंड पक चुका है। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अब ये बनके तैयार हो गया। आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं इसे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार ज़रूर मेरा रेसिपी ट्राई करें अपने घर पे और कमेंट करके बताएं कि मेरा रेसिपी कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।